हत्या की प्रमुख वजह क्या रही सर? देखिए, इसका जो मुख्य रीजन था वो है कि जैसे मैंने आपको बताया, जो विनोद जैन की बच्ची है उनका जो ये हत्यारे हैं रिक्कू, इनसे प्रेम प्रसंग चल रहा था और जो इनको ठीक नहीं लग रहा था। घर में बच्चों को समझाया गया, पहले भी दो तीन बार समझाया गया, पर उसके बाद भी वो चीज़ चलती रही। तो इसी में एक बार विनोद जैन और उनके बेटों ने जो आरोपी है उसके साथ मारपीट की थी, तो वो एक मुख्य कारण था। उस दिन से दिनांक 8/3/2024 को ये फरियादी जो विनोद उर्फ पन्ना जैन है, जो होटल पन्ना पैलेस इटावा रोड से है, उन्होंने सुबह 8:30 की बात होगी, जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक गोलियां चलने की आवाज आई, तो मैंने देखा कि दो व्यक्ति मेरे बेटे प्रणाम जैन को एक ने पिस्टल से गोली मारी और दूसरे ने चाकू से अंदर किया। मैंने तथा मेरे दूसरे बेटे ने दोनों व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया तो दोनों आरोपी धक्का मारकर मौके से भाग गए। फिर मैंने अपने दूसरे बेटे के साथ प्रणाम जैन को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने मेरे बेटे को मृत घोषित किया। इस पर से जो थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 138/24, 302/34 का कायम कर विवेचना में लिया। पूरे इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव पाठक के मार्गदर्शन में आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए और इसमें यहाँ पे जो हमारी CSP भिंड है इनको भी शामिल किया गया। तो इस पूरे इसके लिए एक टीम बनाई गई जिसमें हमारे यहाँ से जो TI कूप हैं सत्येंद्र राजपूत, भरोही TI अतुल भदौरिया, इसके अलावा हमारे प्रवीण चौहान जो TI कोतवाली थे, ये नया गांव प्रभारी वैभव तोमर, रविंद्र शर्मा उमरी प्रभारी और आलोक तोमर नया गांव प्रभारी, इसके साथ साथ जो साइबर टीम के प्रभारी दीपेंद्र यादव और सत्यवीर, इन लोगों को इस पूरे मैटर में लगाया गया। इस संबंध में पूरे जो आरोपियों के बारे में जो थाना प्रभारी सिटी कोतवाली हैं प्रवीण चौहान, उनको सूचना मिली कि इस मैटर के जो दो आरोपी हैं वो बराई के पुरा के बीहर में छुपे हुए हैं, तो वो वहाँ से अपनी टीम लेके पहुँचे और दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसका छोटे में ब्रीफ में विवरण बताएंगे आपको कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई तो आरोपियों द्वारा घटना को करना स्वीकार किया गया और पूछताछ में बताया कि एक वर्ष पूर्व मृतक जो प्रणाम जैन की बहन है इनसे मिले थे और बातचीत होने लगी थी और जो बच्ची है उसके साथ इनके प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह बात मृतक के पिता विनोद जैन हैं उनको मालूम हुई तो उन्होंने एक बार जो आरोपी है उसके साथ मारपीट करी। तो इसमें इन्होंने बताया कि ये सारी बात फिर इन्होंने अपने रिश्तेदार को बताई और फिर उस रिश्तेदार से मिलकर पूरी जो एक साजिश बनी जिसमें किसकी गई। अभी जो मुख्यतः दो लोग जो अरेस्ट हुए हैं और इसके अलावा तीन अन्य लोग हैं, पुलिस टीम लगी है दबिश के लिए, उन लोगों को जो इसमें पूरी साजिश में शामिल है अरेस्ट करेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। तो आपके प्रश्न में उनका जवाब सोचा बदला देने के सर, ये जो रेकी की गई है उसके अधीन जो ये हत्या का प्रकरण, घर के अंदर ही व्यक्ति की हत्या करना, ये कैसे किस प्रकार से किया गया? देखिए, पूरा इसमें जो प्लानिंग हो गई थी वो फरवरी के माह में शुरू हो गई थी, तो उसके बाद जैसे एक इसमें पूरा घटनाक्रम अपने जो चाचा बाबा हैं ब्रजनारायण भदौरिया उनको बताया, तो वो एक तेज सिंह नाम के व्यक्ति के पास इनको ले गए, तो उसने पूरी प्लानिंग करी। उन्होंने पहले तो कोशिश करी थी कि बाहर के लोग ले जाके इस घटनाक्रम को अंजाम दें, उसके बाद वो चीज़ नहीं बनी तो इससे बोला गया कि अपने किसी मित्र को शामिल कर ले, तो इसने अपने मित्र भोला से बात करी, तो भोला इस समय गुजरात में काम करता था, तो 12 तारीख को भोला वहाँ से चला, 13 को आया और 14 को मिट्टू भोला और ये तेज सिंह इन्होंने बैठ के पूरी जो साजिश थी इसको किया कि कैसे करेंगे। उसके बाद एक इनका मित्र है रजत भदौरिया, उसने भी उस पूरी वहाँ पे तब से नज़र रखना शुरू कर दी कि इस होटल में कौन आता है, कब जाता है, कब आता है उसमें। तो इसी साजिश के तहत 21 तारीख को इन्होंने उस कमरे में उस होटल में एक रूम लिया, तो जो इसको वहाँ पे ऊपर दो रूम थे 301 है और 302, तो ये चाह रहे थे 301 में जो मेन जो फरियादी उनके घर में खुलता है, और उस दिन 21 तारीख को 302 रूम नंबर खुला था। उस दिन ये इस चीज़ को अपनी देख लिया था इन्होंने कि आने जाने के रास्ते कहाँ से हैं, कैसे हम अगर कोई घटना करेंगे तो बाहर निकल पाएंगे, तो पूरी रेकी इस प्रकार से। सर, सुनने में आया पहले भी आरोपी इसी होटल में रुका, क्योंकि 21 तारीख को जो ये भोला है, भोला ने एक रवि तिवारी उस नाम के ID से एक रूम लिया था, पर रूम इनको 301 चाह रहे थे वो नहीं मिल पाया था, 302 मिला था,
पर फिर भी आने जाने के रास्ते इन्होंने उस समय देख लिए। 301 का गेट बेडरूम में खुलता है तो वो तो अंदर से लॉक करके सो रहा था, फिर अंदर कैसे गया? नहीं, उसका जो ताला है वो इधर से है, वो ताला तोड़ दिया था उसका। इन लोगों ने जो बताया आरोपी ने, छोटा ताला लगा हुआ था तो वो ताला तोड़ दिया था। उसके बाद होटल का भी कोई कर्मचारी सा शामिल है इसमें? नहीं, ऐसी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। विवेचना में जैसे जैसे बढ़ेगी उसमें हम आगे। पकड़े गए आरोपियों से कोई हथियार बरामद हुए? हाँ, अभी जैसे ये बता रहे तो पिस्टल है, ये पिस्टल बरामद करिए जो इसने अपने जो बाबा है उनके यहाँ पर रख दी थी। तो इसमें ये पिस्टल है और अभी एक मैगजीन है। पूछताछ में बताया गया एक मैगजीन और थी, टोटल 20 गोलियाँ थी इसके पास, तो वो भी अभी जब्त करना बाकी। शॉट एनकाउंटर की बात सामने आ रही है, क्या शॉट एनकाउंटर किया है पुलिस ने? नहीं, ऐसा कोई नहीं। ये पुलिस ने पकड़े हैं आरोपी और इनाम का इनाम घोषित था और इसको बढ़ाने के लिए हमने आईजी साहब के पास प्रतिवेदन भेजा है। और जो पूरी टीम है इसने बहुत ही एक सराहनीय योगदान काम किया। जो सभी आरोपी थे वो 48 घंटे के अंदर पुलिस के उसमें राउंडअप में आ गए थे। और क्योंकि ऐसे में उनका गुजरात से कनेक्शन था तो एक संभावना ये भी थी कि वो भाग सकते थे। और जैसा आपने देखा होगा यहाँ के आरोपी ज़्यादातर भागते हैं तो गुजरात जाते हैं, तब उसको जो पूरी टीम लगातार 2-3 दिन लगी रही है रात भर गए तो उनको भागने का मौका नहीं मिला और उसकी वजह से पुलिस को सफलता मिली।